आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा अभियान। हथगांव पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी बदमाश किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश के पास से असलहा बरामद किया गया है। वहीं अवैध असलहा के साथ गांजे की भी बरामदगी की गई है। फतेहपुर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान चलाया था, जिसकी कड़ी में आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हथगांव पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से असलाह के साथ साथ गांजा बरामद किया गया है। वही बड़ी खबर आपको बता रहे जाओ, 19 दिसंबर से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सभी यात्राएं 19 दिसंबर से शुरू होंगी। 6 यात्राएं उसमें होने वाली है, जिसका बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करने वाले हैं। साथ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहने वाले हैं। पहली यात्रा बिजनौर के विदुरी कुची से शुरू होने वाली है। छठी यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर अमेठी में खत्म होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19 दिसंबर से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये 6 यात्राएं 19 दिसंबर से शुरू होंगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करने पहुंचेंगे। साथ ही उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। पहली यात्रा बता दें कि बिजनौर के विदुरी से शुरू होने वाली है और छठी यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर अमेठी में खत्म होगी। वही लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नहर में गिरी। आपको बता दें कि 8 से 10 लोगों के इस पूरे मामले में फंसे होने की सूचना बताई जा रही है। नगराम थाना क्षेत्र के भौरा कला के पास ये पूरा हादसा देखने को मिला है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नहर में गिर गई है। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल पा रही है। नगराम थाना क्षेत्र के भौरा कला के पास से पूरा हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।